हमारे गांव का नाम है नहीं कुछ है तो गांव का तो नाम तो है ही है। गांव के लिए तो हम अब उनको ऊंचा तो ये बताओ राजा रामपाल के गांव के हैं तो ये तो एक बड़प्पन तो है ही है। और बाकी क्षेत्र उनका इतना बड़ा है कि अब जहाँ जरूरत होती तहाँ काम होता है, बिना जरूरत के तो कहीं काम होता नहीं। जहाँ जरूरत समझते हैं तहाँ काम कराते हैं। इन 5 सालों में मैं लगातार, मेरा काम हर जीत से बंद नहीं होता है। जिस दिन से चुनाव को डिक्लेयर हो, हारे या जीते, उस दिन से फिर हमारा रूटीन रहता है। जैसे डे फिक्स हैं एक एक असेंबली के लिए, संडे मंडे कल्याणपुर, मंगल महाराजपुर, बुध बिठूर, बृहस्पति अकबरपुर रनिया और शुक्र शनिश्चर घाटमपुर। ये अगर मैं दिल्ली में या बाहर नहीं हूँ तो इन दिवस में मैं उसी पार्लियामेंट में जाने का काम करूंगा, लोगों के सुख दुख में खड़ा होने का काम करूंगा। हमने जब एमपी हम बने उस समय हमने इस देश के 67 करोड़ मतदाताओं के लिए पार्लियामेंट में एक याचिका लगाई कि सकल घरेलू उत्पाद से नेशनल इनकम प्रति माह प्रति वोटर कितनी है, उस देश में मतदाता कितने हैं। उस समय आरटीआई के तहत पार्लियामेंट ने बताया 67 करोड़ मतदाता हैं और प्रति मतदाता पर मंथ नेशनल इनकम 3500 रुपये है। आदरणीय राजीव गांधी ने कहा था जब हम 1 रुपया फिर नीचे भेजते हैं तो नीचे पहुंचते पहुंचते केवल 10 पैसे जमीन में जाता है। हमने उस समय तर्क दिया था कि अगर 90% बिचौलिए खा जाते हैं तो वो तमाम भ्रष्टाचारी योजनाएं, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, मिड डे मील हो, कन्याधन हो, बेरोजगारी भत्ता हो, निर्बल आवास हो, ये तमाम भ्रष्टाचारी योजनाएं बंद करके सीधे पार्लियामेंट में एक कानून बनाया जाए, उसको वोटर पेंशन का नाम दिया जाए या वोटर इंसेंटिव समझा जाए या आर्थिक आज़ादी समझी जाए। वो किसी आधी, जब नेशनल इनकम 3500 रुपये पर मंथ है तो 1750 प्रत्येक व्यक्ति का खाता खुलवा के उसे सीधे एटीएम कार्ड दे दिया जाए। वो पहली मार्च को जाए, पहले महीने में जाए और एटीएम कार्ड से अपने हिस्से की राष्ट्रीय आय निकालने का काम करे। जब राष्ट्र की आय से वो पलेगा, राष्ट्र की आय से बढ़ेगा तो नेशनलिटी उसके खून में शामिल हो जाएगी। तो उस बात को हमारी राहुल गांधी जी ने समझा और उन्होंने इस बार ये एजेंडे में दिया है न्यूनतम आय गारंटी योजना, उसको आर्थिक आज़ादी भी कह सकते हैं। श्री राजा रामपाल जी की व्यस्त जीवन शैली के बावजूद इनकी दिनचर्या में घर परिवार के साथ साथ अपने क्षेत्र के लोगों से मिलना इनकी कार्य प्रणाली का हिस्सा है। इसके अंतर्गत दिन वार प्रत्येक विधानसभा में अपना समय देते हैं। साप्ताहिक दिनचर्या में प्रत्येक दिन का प्रत्येक हिस्सा आम जन के लिए नियुक्त है। हर रोज लोगों की समस्याएं सुनना और उनका निवारण करना आम बात है। इनका मूल मंत्र करोड़ों लोगों के लिए जीना है। राजा रामपाल जी जो है हमारे गांव के नेता जी, गेट हाउस ने बनवाया, बहुत बढ़िया बना। गरीब गुरबों के लिए, बारात टिकने के लिए बड़ी सुविधा हो गई, बनवा दिया। और जो है इस समय जो है चुनाव लड़ने के जा रहे हैं, जीत के आ जाएं तो हमारा गांव जो है और चमत्कारी में आ जाए। इनका जीवन स्वामी विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित रहा है। ये उनके आदर्शों, विचारों और पगधारा पर चलने में विश्वास रखते हैं। जात धर्म संप्रदाय आदि की दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करने में विश्वास करते हैं। श्री राजा रामपाल व्यस्त जीवन शैली के बावजूद इनकी दिनचर्या में घर परिवार के साथ साथ अपने क्षेत्र के लोगों से मिलना इनकी कार्य प्रणाली का हिस्सा है। इसके अंतर्गत दिन वार प्रत्येक विधानसभा में अपना समय देते हैं। श्री राजा रामपाल जी ने कल्याणपुर रेलवे प्लेटफॉर्म का जीर्णोद्धार कराया। ये ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें आए दिन प्लेटफॉर्म के नीचे होने के कारण हादसे होते रहते थे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
श्री राजा रामपाल जी लोकप्रिय एवं जनप्रिय सांसद है। अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ती है, चाहे हमारे घर में छठी हो, चाहे बच्चे का मुंडन हो, जब हम बुलाते हैं तो हमारे यहाँ सांसद जी चले आते हैं। यदि कोई गमी हो गई तो उसमें भी सांसद जी हमारे दरवाजे खड़े हुए हैं और रातों दिन सातों दिन हमेशा ये लगे रहते हैं काम में। जब भी हम चाहते हैं हमारे बीच खड़े हो जाते हैं और हमारी समस्याओं का ये निराकरण करवाते हैं। श्री राजा रामपाल जी चुनाव जीते, ये ऊपर वाले से हम दुआ करते हैं, कामना करते हैं। हम ये चाहते हैं हम जितने लोग हैं सब लोग मिलकर राजा रामपाल के हाथों को मजबूत करेंगे और उनको आने वाली 29 अप्रैल को भारी मतों से चुनाव जिता के भेजेंगे। इन 25-30 सालों में किसी करोड़पति अरबपति लखपति को हम पर भरोसा है कि नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन 25-30 सालों में हमने समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भरोसा पैदा करा दिया है जिसके पैरों में चप्पल ना हो, शरीर में कपड़ा ना हो, पेट में भोजन ना हो, हमारे पास आने तक के पैसे ना हो, अपनी समस्या कहने का सब ना हो। वो 150 किलोमीटर दूरी पर समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा आदमी, 1 करोड़ की आबादी वाले कानपुर नगर देहात में, वो व्यक्ति सोचता है अभी राजा रामपाल के पास जाएंगे मदद हो जाएगी, अभी टेलीफोन करेंगे मदद हो जाएगी, ये भरोसा उस समाज के अंतिम व्यक्ति को हमारी जिंदगी के अंतिम सांस तक कायम रहेगा। यही मेरी जिंदगी का मकसद है। कांग्रेस ही एक विकल्प है हम लोगों के सामने। कांग्रेस को ही हम लोग सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस को ही हम लोग जो है लाइक करते हैं और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। राजा रामपाल जी का एक सरल नेचर है, हर समय उपलब्ध भी रहते हैं और दूसरी बात ये कि इनकी याददाश्त बहुत मजबूत है। कभी भी जो है आप चाहे 5 साल के बाद चाहे 10 साल के बाद इनसे मिलिए जाके आपका नाम लेके बुलाएंगे और काम सुनेंगे और काम करते भी हैं। इसलिए हम लोग जो है सभी लोग जो है एकजुट होकर के आदरणीय राजा रामपाल जी को जो है सांसद के रूप में देखना चाहते हैं और अब उनको फिर से टिकट मिला है और उन्होंने बहुत से यहाँ विकास के कार्य किए हैं, तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि राजा रामपाल जी फिर से इस बार विजयी हों और इस गांव के लिए, इन बच्चों के लिए, हमारे लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा की बात है ये और एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और एक गर्व की बात है। श्री राजा रामपाल जी ने अपने क्षेत्र में मुस्लिम भाइयों के लिए अपनी निजी धनराशि से सुंदर प्रवेश द्वार का निर्माण कराया। राजा रामपाल ने गांव-गांव में न्याय पंचायत स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाए और क्षेत्र के विकास के लिए राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना की स्वीकृत कराई। घाटमपुर में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था उसको उच्चीकरण करा के तहसील स्तर का सामुदायिक विकास केंद्र कराया। राजा रामपाल मिलनसार आदमी है, जात धर्म और संप्रदाय से उठ करके लोगों से मिलते हैं और उनके काम के बारे में पूछते हैं, पार्टी का है कि नहीं इसकी परवाह नहीं करते। हम लोग चाहते हैं कि राजा राम पुणे निर्वाचित होकर के कांग्रेस की नीतियों को बढ़ाते हुए क्षेत्र का समग्र विकास करें। अब की बार पूरे क्षेत्र की जनता और 15,000 वकील तन मन धन से इनको हर हाल में सांसद चुनने का काम करेंगे। श्री राजा रामपाल जी की दिनचर्या अत्यंत नियमित है। ये सुबह जल्दी उठकर योग के उपरांत प्रातः भ्रमण को निकल जाते हैं। तत्पश्चात लौटने पर वे समाचार पत्र व पुस्तकें पढ़ते हैं। इसके बाद वे तैयार होकर अपने क्षेत्र की समस्याओं के निवारण के लिए निकल पड़ते हैं। और शाम को घर लौटने पर अपनी धर्म पत्नी से भी विचार विमर्श करते हैं। वक्त मिलने पर देश विदेश की जानकारी टीवी चैनलों से प्राप्त करना वे नहीं भूलते। ये सवेरे से निकल जाते हैं, रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक आते हैं। मैं कहती हूँ जल्दी आया करो तो ये कहते हैं पब्लिक के बीच में रहता हूँ, कैसे आऊँ जल्दी। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि पब्लिक के साथ में रहते हैं, सबका काम करते हैं, पब्लिक बड़ा प्यार देती है। हमें पूरा भरोसा है कि बीजेपी गवर्नमेंट के मुकाबले पर UPA 2 के कार्यकाल में जो हमने काम किए हैं, ऐतिहासिक काम किए हैं, उनको ध्यान में रख के जनता इस बार अब कुछ नहीं चलेगा, केवल पंजा चलेगा, ये आपको कहते हुए नजर आ रही है। कैसा हो? राजा रामपाल जिंदाबाद।
पार्टी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद।